पवित्रा उपमा गुड़िया रंजनी सपना सानवी काजल आदित्य अमृत अभिमन्यु अनिता विजेंद्र पूजा देव मित्रा कृष्णा ज्योति भारत में जिन्होंने भारत पर अपना प्रभाव दिखाया था। देखो 84,000 भी कपोल कल्पना है, 8,400 भी कपोल कल्पना है, इस पे डिबेट है। कोई 8,400 कहता है, कोई 84,000 कह रहा है। एक्चुअल फिगर क्या है किसी को नहीं पता। इसको तो नष्ट किया तो उसके अवशेष भी तो नहीं मिलते, अवशेष भी मिलना चाहिए ना। अभी तक जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उसके अनुसार इस इलाके पे किस जाति का शासन था, इंडो ग्रीक। चंद्रगुप्त मौर्य ने इंडो ग्रीक को यहां से भगा दिया था, लेकिन मौर्यों पे जाने के बाद फिर इन्होंने कब्जा कर लिया और इनके शासन का केंद्र था बैक्ट्रिया। इन्हें इंडो ग्रीक कहते हैं, हिंदी वन। सेकंड बीसीई से लेकर के फर्स्ट एडी तक इन्होंने इस इलाके पर शासन किया। इंडो ग्रीक के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं काफी कुछ। इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था कि इन्होंने ढलने वाले सिक्कों की प्रथा भारत में प्रस्तुत करवाई राजवंशों। लेकिन अभी प्रश्न है मौर्य काल के बाद, तो मोटी मोटा दो इंडो ग्रीक वंशों का नाम मिलता है। एक डेमेट्रियस या यूथिडेमस वंश और इनका विस्तार है झेलम से लेकर के मथुरा तक। इनकी राजधानी है साकल। इन्हें यूथिडेमस भी कहते हैं या डेमेट्रियस भी कहते यूथिडेमस के पास बारे में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूचना नहीं है। लेकिन यूथिडेमस का बेटा डेमेट्रियस, ये इसका बेटा है एक्चुअली। यूथिडेमस के साथ इसका नाम इसलिए आता है क्योंकि दोनों इस इंडो ग्रीक राज्य के संस्थापक थे। पुष्यमित्र के चैप्टर में हमने पढ़ा कि 183 ईसा पूर्व के लगभग इन्होंने पुष्यमित्र के सिंध और पंजाब प्रदेशों को जीत लिया, कल पढ़ा था ना। क्योंकि पश्चिमी पंजाब और सिंधु की निचली घाटी से डेमेट्रियस की तांबे की मुद्राएं मिली हैं। और विदिशा से भी एक मुद्रा मिली है जिस पर डेमेट्रियस का नाम लिखा हुआ है। डेमेट्रियस को जैसे पतंजलि का है महाभाष्य, उसमें डेमेट्रियस का नाम मिलता है दत्तमित्र। इसने दत्तमित्र नाम का एक शहर भी बसाया था सिंधु घाटी में, और कंधार में एक और शहर इसने बसाया डिमिट्रियास्पोलिस। जस्टिन से कहता है कि यह भारतवासियों का राजा है
और डेमेट्रियस ने एक उपाधि धारण की, अजेय है। सियालकोट अपनी राजधानी के रूप में इसने ही बसाया, साकल। इसी के बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा है ना कि मथुरा से भाग गया, कल जिसकी हमने बात की थी। इसका बेटा है मिनांडर, मिनांडर सबसे प्रतापी शासक हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि डेमेट्रियस के का असली बेटा नहीं था, किसी नाचने वाली का बेटा था, लेकिन मिनांडर की शादी हुई, कुछ लोग कहते हैं कि मिनांडर की शादी हुई है डेमेट्रियस की बेटी एगाथेल्किया से। तो बेसिकली ये डेमेट्रियस का बेटा नहीं है, उसका दामाद है। तो शाकल का इन्होंने सर्वांगीण विकास किया, शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बनाया और पैरेलल खड़ा कर दिया मगध के। मिनांडर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख मिले हैं, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र यानी पेशावर, पेशावर से एक मेटल की मेटल का बॉक्स मिला एक्चुअली, जिसको कहते हैं धातु मंजूषा। इसमें बुद्ध के अवशेष पाए गए हैं रखे हुए, और एक स्तूप का निर्माण किया गया था इसके ऊपर, मिनांडर ने इसका निर्माण किया था। इस धातु मंजूषा पर एक लेख लिखा हुआ है जिसमें मिनांडर के दो गवर्नरों का उल्लेख मिलता है, वियत मित्र और विजय मित्र। तो एक ये अभिलेख हो गया, ये अभिलेख कहां पे मिला है, पेशावर। इस अभिलेख को कहते हैं, इस अभिलेख का एक विशेष नाम है, शिवकोट का अभिलेख या बजौर घाटी का अभिलेख। या इसका एक और नाम है बाजौर घाटी। जी आर शर्मा ने एक और अभिलेख की खोज की थी, पेरिप्लस से मिनांडर से संबंधित, और ये है उत्तर प्रदेश में एक जगह है फतेहपुर, फतेहपुर का अभिलेख। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी में लिखा हुआ है कि मिनांडर के सिक्के बैरिगाजा में चलते थे। बैरिगाजा किसका प्राचीन नाम है, भड़ौच। मिनांडर का बेटा है स्टेटोफर्स्ट, मथुरा में स्टेटोफर्स्ट की मुद्रा पाई गई। ये जो फतेहपुर उत्तर प्रदेश में अभिलेख पाया गया है, इसी का एक दूसरा नाम भी है, रेह अभिलेख। इसका नाम कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन अभिलेखों से ये क्लियरली पता चल जाता है कि गुजरात, यूपी और पाकिस्तान तक इसका राज्य था, यानी मिनांडर ने ये सारे इलाके जीत लिए थे। बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था, और बौद्ध धर्म में इसको कहा जाता है मिलिंद, और इसके गुरु थे बौद्ध भिक्षु नागसेन। मिलिंद पन्नों से इसके इतिहास की जानकारी मिलती थी। मिलिंद पन्नों का मतलब होता है मिनांडर के प्रश्न, पन्नों यानी प्रश्न। फिर यह अभिलेख मिला फतेहपुर यूपी में, मिलिंद पन्नों प्राकृत लैंग्वेज में है, सात अध्याय में, नागसेन और मिनांडर के शास्त्रार्थ। तो वस्तुतः मिनांडर ही नियान का अनुयायी था। मिलिंद पन्नों में मिनांडर का एक कथन मिलता है कि यदि मैं इसी समय बौद्ध भिक्षु हो जाऊं तो लोग मुझे मार डालेंगे, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा शत्रु हैं। प्लूटार कहता है कि इसकी मृत्यु हुई थी सैनिक शिविर में, और इसकी मृत्यु के बाद इसके धातुओं के लिए यानी जलाने के बाद जो अवशेष बचता है भस्म राख,
उसको हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों में संघर्ष हुआ। बिरगाजा में मिनाडर के सिक्के मिले। तो बुद्ध की तरह इसके भी अवशेष को बांटा गया और उस पर बहुत सारे स्तूप बनवाए गए। मिनाडर का गुरु है नागसेन। क्षेमेंद्र ने किताब लिखी है अवदान कल्पलता, ये नाम सुना है अवदान कल्पलता। इसमें मिनांडर के द्वारा बनवाए गए अनेक स्तूपों की जानकारी मिलती है। ये किताब लिखी गई है 1052 ईस्वी में और इसकी कांसे की मुद्राएं मिली हैं। उन मुद्राओं पर धर्म चक्र बना हुआ है और इसकी एक उपाधि अंकित है धर्मिकस। ये दोनों बौद्ध उपाधियां हैं। प्लूटार्क इसके न्यायप्रियता की बड़ी प्रशंसा करता। हालांकि ये धर्मिकस की उपाधि मिनांडर के साथ साथ अगाथोक्लीज, हेलियोक्लीज और स्ट्रेटो को भी मिली थी। धर्मिकस इसकी उपाधि एक और इसी से मिलती जुलती उपाधि मिलती है कुजुल कडफिसस की, वह है धर्मथित कुजुल कडफिसस की। टार में कहते हैं कि ये बौद्ध इसलिए बना क्योंकि इसकी अधिकांश जनसंख्या बौद्ध थी, तो बौद्ध बनना इसका राजनीतिक स्टंट था ना कि कोई धर्म का ज्ञान। इसका नाम महाभारत में भी मिलता है, भागवत पुराण में भी मिलता है, रामायण में भी मिलता है। रामायण में मिनांडर का नाम स्वामी है कर्दम के नाम से। भागवत पुराण में पुष्प निद्र, विष्णु पुराण में अलिष्ट निभ, दिव्यावदान में यक्ष कृमिश, आदि मंजू श्री मूल कल्प में महायक्ष, ये सारे नाम मिलते हैं। अपने बुढ़ापे में ये अपने बेटे के लिए अपना राज्य त्याग देता है और अर्हत में बन जाता है। मिलिंद बंधुओं में इसको वेद स्मृति न्याय वैशेषिक गणित और संगीत विद्या में पारंगत बताया गया। तो ये महानतम इंडो ग्रीक शासक है भारत का। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए कुछ प्रश्न करते हैं आपसे, देखते हैं कितनी समझ में आई। निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सेल्यूकस के कुछ बाद के समय के शासक एंटियोकस द्वितीय के समय 250 ईसा पूर्व में पर्थिया और बैक्ट्रिया स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के स्वतंत्र यूनानी साम्राज्य का संस्थापक डायडोरस प्रथम था। डेमेट्रियस ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में उत्तरी प्रदेशों पर मौर्य वंश के प्रवर्ती शासक शासन कर रहे थे और विदिशा की एक मुद्रा पर डेमेट्रियस का अंकन मिलता है। डेमेट्रियस ने निम्नलिखित शहरों की स्थापना की, साकल, सिरकप, दत्त मित्र, दिमित्रियास पोलिश।
मिनांडर के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उसका जन्म वसंत नामक द्वीप में फालसी ग्राम में हुआ था। तात महोदय के अनुसार मिनांडर रक्त से राजवंशी नहीं था। अपनी इस जन्मस्थ त्रुटि को दूर करने के लिए उसने डेमेट्रियस की पुत्री अगाथेल्किया से विवाह कर लिया। मिनांडर की राजधानी श्यालकोट थी। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। जो लोग रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हो ना, उन्हीं का दो दिन क्लास में आओगे, तीन दिन नहीं आओगे, ऐसे ना करो। किस स्रोत में मिनांडर का एक कथन मिलता है कि यदि मैं इसी समय भिक्षु हो जाऊं तो अधिक काल तक जीवित ना रह सकूंगा, क्योंकि मेरे शत्रुओं की संख्या अधिक है। शिवकोट रेग पेरिप्लस अपेरिथियन से मिलिंद पन्नो। अब आते हैं मिनांडर के उत्तराधिकारियों पर। मिनांडर की मौत हुई और 130 ईसा पूर्व में स्ट्रेटोफर्स्ट शासक बना। नेहा कोई जरूरत नहीं है, मेडिवल हम कैसे पढ़ाएंगे उसमें पढ़ लेना। मिनांडर की शादी मैंने इसके पहले बताया था, किस महिला से हुई थी? एक्थेक्लिया का ही बेटा था। तो ये छोटा था जब गद्दी पे बैठा, तो इसकी ये बन गई संरक्षिका, क्योंकि इनके संयुक्त सिक्के मिलते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि स्टेटो फर्स्ट जल्दी मर गया, क्योंकि थोड़े दिन बाद स्टेटो सेकंड के साथ इसके सिक्के मिलने लगते हैं, जो कि स्टेटो फर्स्ट का बेटा है। इन सिक्कों में एक्थेल्किया को वृद्धा के रूप में अंकित किया गया है। तो जहां इनकी इनका शासन राज्य ये था, उसी समय तक्षशिला में एक अन्य इंडो ग्रीक वंशज ने अपना राज्य स्थापित कर लिया और इसको नाम दिया जाता है यूकेट्राइडस या यूकेटाइडीज। अब इन दोनों में संघर्ष होना तो लाजमी था, संघर्ष हुआ भी और एक युद्ध हुआ। यूकेट्राइडस वंश का हेलियोक्लीज नाम का व्यक्ति शासक था। हेलियोक्लीज ने स्टेटो फर्स्ट को हरा दिया, क्योंकि स्टेटो फर्स्ट की मुद्राओं पे हेलियोक्लीज का भी अंकन है। फिर 90 ईसा पूर्व में स्टेटो सेकंड गद्दी पे बैठता है और यहां से इस वंश का पतन शुरू होता है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक मिनांडर के वंश की बात हुई ना, इसके पैरेलल तक्षशिला में एक और वंश यूक्रेटिड वंश, ये भी इंडो ग्रीक वंश था, ये भी शासन करने लगा। इन दोनों में लड़ाई हुई तो यूक्रेटिड वंश का शासक है हेलियोक्लीज, हेलियोक्लीज ने स्टेटोफर्स को मार डाला और दोनों की संयुक्त मुद्राएं मिलती हैं फर्स्ट के साथ। तो
जैसे ही इस वंश का पतन हुआ, वैसे मथुरा और उसके आसपास के इलाकों पर कुछ नए वंशों ने अपना शासन स्थापित किया और यूकेट्री इसको मिनांडर के वंशजों को निकाल के बाहर कर दिया, जैसे औदुम्बर। अर्जुनायन इन नए नए राजवंशों ने अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए और बाद में शकों ने आकर के इनको रिप्लेस किया। जो वैक्यूम हिंदी उन्होंने क्रिएट किया था उसको शकों ने रिप्लेस कर दिया। तो खैर यूक्रेटिड वंश तब स्थापित हुआ था जब मिनांडर अपनी विजय यात्रा यहाँ पे शुरू कर रहा था। डेमेट्रियस को अपनी विजय यात्रा छोड़ करके, क्योंकि यूक्रेटिड ने तक्षशिला में विद्रोह कर दिया था, तो इसको वापस लौटना पड़ा था मिनांडर को। और इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, यूक्रेटाइडस और मिनांडर के बीच युद्ध हुआ, जिसका विवरण देता है जस्टिन 167 BC के आसपास। और इसी युद्ध में डेमेट्रियस मारा गया। बैक्ट्रिया पर यूक्रेटाइडस वंश का अधिकार हुआ। तक्षशिला इनकी राजधानी थी। तक्षशिला में इनके टाइम में जो स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, प्रचलित था, प्रसिद्ध था, वह है सिरकप। पश्चिमोत्तर प्रांत में खरोष्टी और यूनानी लिपि के इन्होंने सिक्के चलाए। ओके करणवीर, थैंक यू। तुम करणवीर ही हो ना? तो यूक्रेटाइडस के बाद हेलियोक्लीस के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये शासक बनता है। शकों ने इनको भी रिप्लेस कर दिया। जैसे शकों ने इनको रिप्लेस कर दिया, वैसे ही शकों ने इनको भी रिप्लेस किया। हेलियोक्लीस ने ही स्टेटोफर्स्ट को हराया था और एक नए शैली के सिक्के चलवाए, जिसे कहते हैं पुष्कलावती शैली के सिक्के। पुष्कलावती या गंधार शैली के सिक्के भी कहते हैं, जिस पर बैल का चिन्ह अंकित था। खैर हेलियोक्लीस के बाद इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है एंटियालकिड्स। इसी एंटियालकिड्स ने भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस का नाम सुना होगा ना, नाम का अपना राजदूत भेजा, जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी। इस बेशनगर स्तंभ लेख भी कहते हैं इसको, एक और नाम देते हैं खंड बाबा लेख। हाँ वो तो शाम को ही नो मोर हो गए थे, वो दोपहर में ही। प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में 6 पंक्तियों का लेख है, और कल इसके बारे में हमने डिटेल में आपको बताया था। इसमें कौन से 3 शब्द मिलते हैं जिनकी मैंने व्याख्या की थी विस्तार से? हेलियोडोरस का विदिशा अभिलेख, खंभ बाबा अभिलेख, हाँ एमपी में है। ये राजदूत बन के गया था ना शुंग के दरबार में, कोई विजेता बन के थोड़ी ना गया था। और विदिशा शुंगों की दूसरी राजधानी थी। हाँ दम त्याग और अप्रमाद, ये कहाँ से लिया गया तीनों शब्द? महाभारत। अब इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि भागभद्र का समकालीन शासक, समकालीन इंडो ग्रीक शासक कौन था?
एनटीआर किट्स, और इस अभिलेख में भाग्यभद्र को एक टाइटल दिया गया है त्रातार। त्रातार का मतलब होता है रक्षा करने वाला। इसके बाद यूक्रेटाइडस वंश में अगले राजा आते हैं हर्मियस, अंतिम इंडो ग्रीक शासक हैं। तो बस थोड़ा सा इनका राज्य बचा, और हर्मियस के सिक्कों पर कुषाण वंश के प्रथम शासक कुजुल कडफिसस का नाम पाया जाता है। पचास ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया, 20 साल। तो ये सिकंदर के बाद इंडो ग्रीकों ने दूसरी पारी खेली भारत पर अपना अधिकार करने की। तो ये क्रमशः नाम समझ में आ गया आपको इन दोनों राजवंशों के अलग अलग। सिकंदर ने भी अटैक किया था, सिकंदर ने भी प्रभाव डाला था, लेकिन इनका प्रभाव ज्यादा व्यापक पड़ा। ज्योतिष, मुद्रा, नाटक, मूर्तिकला में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी बात जो सीखी, भारी भरकम टाइटल लगाने की। एंटियालकिड्स के बाद हर्मियस आया। हर्मियस कमजोर शासक था, और कुजुल कडफिसस शायद इसका गवर्नर रहा होगा, क्योंकि इन दोनों के नाम एक ही सिक्के पे पाए जाते हैं। कुजुल कडफिसस किस वंश का है? कुशाण। तो प्रश्न उठता है कि क्या सीखा, क्या प्रभाव पड़ा भारतीयों पर? इंडो ग्रीक ने सबसे पहले, वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहला प्रभाव है लॉन्ग टाइटल। भारतीयों ने इन्हीं के राजाओं के अनुसार लंबे लंबे टाइटल्स का प्रयोग करना शुरू किया। महाराजाधिराज, परम भट्टा, रघुवीर, दैत्य। क्योंकि इसके पहले आप अशोक को देखिए, अशोक जैसे लोग केवल राजा ही कहते थे, या बहुत ज्यादा देवाना, प्रिय, प्रियदर्शी, बहुत लंबा चौड़ा टाइटल नहीं रखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं रखा, सम्राट ही था। अजाशत्रु या मगध के शासक ने, शुंगों ने भी नहीं रखा। भारतीयों ने यूनानियों से पेन लिया, पेन कलम, बुक, सुरंग, कैंप, कैंप यानी सिविल, स्याही, पेन सीखेंगे तो स्याही भी लेंगे, फलक। ऐसा नहीं कि ये चीजें नहीं सीखी, ये शब्द लिए हैं। सुरंग यानी टनल। किताब लिखने की एक नई शैली यूनानियों से भारतीयों ने अडॉप्ट की, ओवेड डायलॉग, वार्तालाप शैली में, जिसे मिलिंद पन्नो की किताब है ना, वो वार्तालाप शैली है। दोहा, दोहा मतलब दो लाइनों की जो कविता होती है ना, ये भी भारतीयों ने यूनानियों से सीखा है। नाटक में जो यवनिका शब्द आता है, जो पर्दा गिराती थी, ये भी यूनानी था। सिकंदर जब भारत आया था तो झेलम नदी के किनारे सिकंदर के सामने एक नाटक मंचित हुआ था 326 ईसा पूर्व। उस नाटक का नाम था एगेन। भारत की धरती पर मंचित होने वाला पहला व्यंग यूनानी नाटक है ये एगेन। ज्योतिष पर भी बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है। भारतीय ज्योतिष के पांच सिद्धांत हैं। इसमें एक रोमक ज्योतिष है और फलित ज्योतिष है। ये भारतीयों ने यूनानियों से किया। इसके अलावा कैलेंडर कैसे बनाना है, संवत का प्रयोग, सप्ताह क्या होता है, सप्ताह के 7 दिन, सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन सबसे पहले किस किताब में मिलता है? गार्गी संहिता। ये सभी भारतीयों ने यूनानियों से सीखे। इसके अलावा मेडिकल साइंस में बहुत कुछ
प्रभाव है यूनानियों पर, भारत पर। तो चार्ज लगा लो, कहाँ कहीं दूर खड़ी हो क्या शहर से? तो बिजली पैदा कर दो, नदी बनाओ, बांध बनाओ, डायनमो लगाओ, बिजली तैयार, कितना सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, गांधार कला शैली भी यूनानियों के प्रभाव से ही पैदा हुई। ये जो गांधार कला शैली है, इसे कहते हैं होलिनिस्टिक आर्ट। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है मुद्रा। यूनानियों के संपर्क में आने के पहले जो कॉइन्स होते थे वो बड़े ही बेडौल होते थे, इन्होंने सुडौल बना दिया, लेख युक्त मुद्राएं। और सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए मिनांडर ने। सांचे में ढाल करके मुद्राएं बनाने की विधि भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखी। नाटक का नाम है अगेन व्यंग नाटक, था नाटक क्या था ये मैं नहीं जानता। आतिथ्य जी, आपने तो मेरी दोनों आंखें खोल दी। कोई मेरी आंखें खोलता है तो आपको पता ही है मैं क्या करता हूँ। क्या करता हूँ, सुखानी को बड़ी लालच लगती है, इसीलिए आजकल पूर्व मध्यकालीन लेखों में सिक्कों के लिए एक शब्द यूज किया गया है, द्रम्म। ये शब्द भी यूनानियों से लिया गया है। और मुद्राओं पर दो भाषा के लेख, यम्मी डाइजेस्टिव आयुर्वेदिक दिल बहार। कौन कौन से लेख? यूनानी और खरोष्टी। डेमेट्रियस प्रथम इंडो ग्रीक शासक था जिसने ये यूनानी और खरोष्टी दोनों लेख युक्त सिक्के जारी किए। आहत मुद्राओं के बाद पहला डेवलपमेंट यही है, इंडो ग्रीक मुद्राओं का काल आता है। हालांकि अधिकांश मुद्राएं इनकी चांदी की हैं, लेकिन तांबा, निकल, सीसा भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन्होंने मुद्राओं में डाला था। इनके चांदी की मुद्राओं को एक विशेष नाम दिया गया है, स्टेटर। अच्छा, तो देखना पड़ेगा, जयपुर का ही है क्या? अरे वाह, शकुन आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, टैंक रोड, जयपुर। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी। सॉरी, चांदी की मुद्रा स्टेटर नहीं कहलाती, सोने की मुद्रा स्टेटर कहलाती है। हर्षित जी बहुआयामी व्यक्ति हैं। अच्छा, ए प्लस लाइक है भी। इसका अनार दाना, इमली दाना, अजवाइन का, अजवाइन वाला बहुत टेस्टी है। आम पापड़, ये सब आता है। यही खा खा के तो मैं जी रहा हूँ। स्वर्ण मुद्राएं स्टेटर और रजत मुद्राएं द्रम्भ। द्रम्भ को द्रख्म भी कहते हैं।
तो इनकी अधिकांश मुद्राएं दो भाषा की हैं, आगे के भाग में यूनानी भाषा और रोमन लिपि, पीछे के भाग में प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि। आगे के भाषा में शाही चित्र राजा का, पीछे के भाग में अपोलो एथेना ऐसे यूनानी देवी देवताओं का चित्र, नहीं चांदी का नहीं, सोने का स्टेटर, चांदी का दुर्ग। लेकिन जब भारतीय प्रदेश जीत लिए तो यूनानी देवी देवताओं को डिलीट मार दिया, वहां पे भारतीय देवी देवताओं को लगा दिया। तो यूनानी देवी देवता रूठ गए। तो कभी कभी डेमेट्रियस को गाते हुए भी सुना गया इतिहास में, तुम रूठा ना करो, आगे नहीं गाऊंगा। अफगानिस्तान में तीन महत्वपूर्ण पुरातत्विक स्थल हैं जहां से इंडो ग्रीक मुद्राएं पाई गई हैं, या कहो इंडो ग्रीक मृदु भांड पाया गया। कहां कहां से? मीर जकार, यहां से 13,083 सिक्के मिले हैं, जिसमें से 2,757 इंडो ग्रीक के हैं। ऐ खानुम संग्रह, ऐ खानुम स्थान का नाम है, क्योंकि संग्रह पे बड़ा प्रश्न आता है। 693 सिक्के मिले हैं, जिसमें से 6 इंडो ग्रीक के हैं। क्षिस्त टेपे संग्रह, इसमें कुल 627 सिक्के हैं, जिनमें से 624 इंडो ग्रीक के हैं। ये वही जगह है जहां पे इनके टकसाल थे। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम। उसको कहते थे गुम्पाक्षर। गुम्पाक्षर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई जानता? मोनोग्राम। तो कुल 42 इंडो ग्रीक शासक हुए हैं, इनमें से 32 इंडो ग्रीक शासकों को हम उनके सिक्कों के आधार पर जानते हैं, केवल सिक्कों के आधार पर। भारतीय शासकों ने जो उपाधियां धारण की ना, महाराज, राजाधिराज, ये सब इंडो ग्रीक शासकों से ली गई है। इंडो ग्रीकों ने अपने आगे टाइटल लगाया था बेसिलियास या बेसिलियान, इसका मतलब होता है महाराजा अधिराज, महाराज। और भारत का पहला शासक कौन है जिसने महाराज की उपाधि धारण की? खारवेल। इंडो ग्रीक मुद्राओं पे कुछ नवीन शोध हुए हैं, जैसे मैकडोनाल्ड एक मुद्रा शास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि डेमेट्रियस एक नहीं था, डेमेट्रियस दो थे, और डेमेट्रियस द्वितीय ही भारतीय प्रदेशों का शासक था, पहला नहीं था, और वही था जिसने पहली बार यूनानी और खरोष्टी के सिक्के चलाए, और उसकी उपाधि थी एनिकोटाऊ। एनिकोटाऊ का मतलब होता है अजेय। लेकिन भारत के इतिहास में चौकोर मुद्राएं भी जारी की गई इनके शासनकाल में, और चौकोर मुद्राएं जारी करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक था एंटीमेकस। एंटीमेकस प्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने विश्व में पहली निकल की मुद्राएं जारी की, विश्व की, भारत की नहीं। दो इंडो ग्रीक शासक, एक का नाम था पेंडालियान और दूसरे का नाम है अगाथा क्लीज, जिनके बारे में हमने पढ़ा। अगाथा क्लीज का किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा? अगाथा क्लीज
इन्होंने वर्गाकार नहीं, इन्होंने निकल की मुद्राएं जारी की और खरुष्टी और ब्राह्मी लिपि दोनों का प्रयोग किया। अगाथा क्लीश पहला ऐसा इंडो ग्रीक शासक है जिसकी मुद्राओं पर वासुदेव और बलराम का अंकन मिलता है। वासुदेव कौन थे और इनकी मुद्राओं पर शंक्वाकार स्तूप का भी अंकन मिलता है, ऐसा स्तूप। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, हम बार बार पढ़ते रहते हैं कि सातवाहनों ने शीशे की मुद्राएं जारी की, लेकिन सबसे पहला शीशे की मुद्राएं जारी करने वाला था स्टेटो सेकंड, भारतीय उपमहाद्वीप। मिनांडर और यूक्रेटाइडस ने ही अपनी स्वर्ण मुद्राएं जारी की, सबसे पहला मिनांडर है। लेकिन पहला मिनांडर तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला यूक्रेटाइडस, और भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी किया भीम कटफिसस ने, क्योंकि बाजौर, स्वात घाटी, तक्षशिला, सिंध, पंजाब, मथुरा से मिनांडर की मुद्राएं मिली हैं। कौशाम्बी से, कौशाम्बी यहाँ है ना इलाहाबाद के पास, कौशाम्बी से सांचा मिला है मिनांडर का मुद्राओं को ढालने वाला। सर्वाधिक मुद्राएं जारी करने वाला मिनांडर ही था। तो यहां तक बात समझ में आई? दिस इज ऑल अबाउट इंडो ग्रीक्स इन इंडिया। अब 15-15 सेकंड में प्रश्नों का उत्तर दो। किस शासक की मुद्राओं पर धर्म किसकी उपाधि मिलती है? फटाफट, लेट नहीं लगाना। स्टेटो मिनांडर, गाथो क्लीज, हेलियो क्लीज, क्योंकि टाइम बहुत कम है और कोर्स बहुत ज्यादा है। जी आर शर्मा के अनुसार विभिन्न स्रोतों में मिनांडर का अलग अलग नाम मिलता है, उन्हें सुमेलित कीजिए। रामायण, रजनी, भागवत पुराण, कर्दम, विष्णु पुराण, पुष्पनिद, दिव्यावदान, यक्षिकमिश। ये तो उत्तर हाईलाइटेड है। भारत में हिंदी वन का पराभव गणतंत्र शकों के विरोध से हुआ। उत्तर भारत से यूनानियों का निष्कासन उदंबर, कुरिंदन और अर्जुनायन जातियों ने कर दिया। गलत किस्म का चयन करें। स्ट्रैबो के अनुसार यूक्रेटाइडस ने बैक्टीरिया के हजार के ग्रुप पर अधिकार कर लिया। यूक्रेटाइडस ने झेलम और भारतीय प्रदेशों को विजित कर लिया, तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। उसकी मुद्राएं बैक्टीरिया से स्थान पर पेरेंशिया, कपिशा, तक्षशिला और पश्चिमी पंजाब से प्राप्त होती है। कपिशा में प्राप्त उसकी एक मुद्रा में डेमेट्रियस को कपिशा का नगर देवता कहा गया है, इसमें गलत क्या है? इंडो ग्रीक शासक के सिक्कों पर कुषाण वंश के प्रथम शासक कुजुल कडफिसस का नाम उत्कीर्ण है। एंटियालकेट, सर्मियस, यूक्रेटाइडस, हेलियोडोरस, यूथोडेमस। प्राचीन इतिहास पर यूनानी प्रभाव में क्या शामिल है? प्राचीन भारत में सबसे पहले भारी भरकम बिरदों का प्रयोग उस समय प्रारंभ हुआ जब यवनों ने उत्तरी पश्चिमी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। भारतीयों ने यूनानियों से एक लंबे पुस्तक सुरंग कैंप से ही प्रकार शब्द ग्रहण किए। जैकोबी का मत है कि भारतीयों ने यूनानियों से ही दोहा सीखा। भारतीय संस्कृत नाटकों का उदय यूनानी नाटकों की देन है।
326 ईसा पूर्व सिकंदर के समय में झेलम नदी के तट पर एक नाम का एक व्यंग नाटक का मंचन हुआ। ब्रज संहिता में कहा गया है कि वन वैभव तो है पर ज्योतिष के जन्मदाता होने कारण वे ऋषियों की भांति सम्मान के योग्य हैं। निश्चित तिथि काल गणना सबूतों का प्रयोग सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन आदि भारतीयों ने ईरानियों से सीखा। सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन अलंकार की संहिता में मिलता है। भारतीय शासकों द्वारा धारण की जाने वाली उपाधि महाराज और राजाधिराज क्रमशः बैसेलियास और बैसेलिया नाम की यूनानी उपाधियों का रूपांतरण है। खारविल प्रथम भारतीय शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की। अब हम बात करेंगे शक और पहलों की। तो इंडो ग्रीक मुझे लगता है कि पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। कोई दुविधा नहीं होगी या किसी को अभी भी है? अभी नहीं है? अभी तो नहीं, मतलब क्या बाद में हो जाएगी? तो हमें स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी और कहानी को फास्टर पेस में सुनानी पड़ेगी। ऐसे ही कुछ अफ्रीका और यूरेशिया का मैप। तो मैं ये मैप इसलिए नहीं बना रहा था कि आप ताली बजाओ, इसलिए बना रहा था कि मैं उस लोकेशन को समझाऊं। वैसे ताली बजा दोगे तो अच्छा लगेगा। गुभाक्षर होता है वो मोनोग्राम। तो सिचुएशन ये है कि दो खूंखार जातियां हैं एशिया में और भारत की तरफ देख करके दिन रात लार टपका रही है। एक है शी दरिया और अमू दरिया के उत्तर में मध्य एशिया में निवास करने वाली खानाबदोश जाति है जो यहाँ निवास करती है। मोनोग्राम होता है कोई बात नहीं। और इन्हीं के पास चाइना के उत्तरी भाग में एक बहुत ही खूंखार कबीला था यूची। हाँ लोगो ही कह लो, जैसे अकेडमी का लोगो ऊपर बना हुआ है ना मोनोग्राम है। अब इन दोनों में झगड़ा है। 165 ईसा पूर्व में यूची ने इनको गेट आउट कर दिया शको।
अब मुद्दा यह है कि सकों के पड़ोसी जो है ना भारत की तरफ, ये यहां पे कौन सी जाति है? हिंदी। अब तो यूची ने मारा धक्का इनको और शको ने मारा धक्का इनको, और बैक्टीरिया पर कर लिया अधिकार। बैक्टीरिया को कहते थे बल्क, ऐसे धक्का मुक्की हुई, इसीलिए किसी को धक्का नहीं मारना चाहिए। बाद में शकों को पता चला कि यमन तो बेचारे बर्बादी के कगार पे खड़े हैं। दो शाखाएं इनकी थी, दोनों बर्बाद हो गई। तो शकों ने कहा कि हम क्यों एक रहे, तक्षशिला वाले यमन जहां थे एक वहां स्टेब्लिश हो जाते हैं, मथुरा वाले यमन, शाकल वाले वहां यमन जहां थे दूसरे वहां स्टेब्लिश हो जाते हैं, एक से भले दो। तो ये शकों की दो शाखाएं बन गई। पहली शाखा कश्मीर इलाके में बस गई, कोई कहता है कपिशा, कोई कहता है किपिन। दूसरी शाखा शकों की बस गई अफगानिस्तान वाले इलाके। अब यहां से भारत के अंदर घुसने की दिन रात कोशिश करते रहे, बुलंद दर्रे से होते हुए सिंध प्रदेशों में फैलने लगे, अपने पांव पसारने लगे। इधर उत्तर भारत में जहां पहले पुष्यमित्र शुंग वंश था, वहां पे अब कण्व वंश और बड़ा ही क्षुद्र सा वंश, तीन ही चार राजा हुए। ये भी बेचारे मतलब पनपने के पहले ही डिक्लाइन करने लगे। सकों ने देखा कि ये कण्व बर्बाद हो रहे हैं तो अटैक मार दिया। BC 71 में, लेकिन उस समय हम देखते हैं कि भारत में विभिन्न गणतंत्र इस्टेब्लिश हो चुके थे, छोटे 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 गणतंत्र आसपास, जैसे भी पीछे मैंने बताया जुनायन मालो वगैरह वगैरह। और इन गणतंत्रों में सबसे जो मजबूत गणतंत्र था वो था मालो, और इसका जो हीरो था उसका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने देखा कि विदेशी आक्रमण कर रहे हैं तो स्टेज पे चढ़ गया, दो कुर्सी लगा के, और लंबा चौड़ा भाषण देना शुरू किया। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, इंकलाब जिंदाबाद, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ऐसे ऐसे लंबा चौड़ा स्पीच दिया। तो ये छोटे छोटे गढ़ थे, इनका स्वाभिमान चल गया। इधर से शक आ रहे थे और विक्रमादित्य ने बाकी गणतंत्रों को संगठित किया। शक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मालवा तक घुस गए। 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने मालवा में शकों को हराया और वहां से मार भगाया, और खूब पार्टी की, खुशियां मनाएंगी, और एक कैलेंडर छाप दिया इस खुशी में। पहले इस कैलेंडर को कहा गया कृत संवत, बाद में इसका नाम पड़ गया मालो संवत। लेकिन विक्रमादित्य ने जब डांटा पब्लिशर को कि ना काम मैंने किया है, मेरा नाम तो छापते नहीं, तब छापा विक्रम संवत। एक ही कैलेंडर के तीन नाम थे। शकों का दिल पांच टुकड़ों में टूट गया। उनको उम्मीद नहीं थी कि भारत में एकता नाम की कोई चीज भी है, भारतीय एक एक भी हो सकते हैं। किसी ने कहा था कि भारत की कभी एक नहीं हो सकते, और ये पांच शाखाएं शकों की बन गई। पहले तो दो शाखाएं बनी, इन्हें कहा गया उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप, बाद में इनमें से भी बाइफरकेट होकर पांच बन गई। उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला, मथुरा, ये दोनों कहे गए उत्तरी क्षत्रप।
उज्जैन और नासिक, इनको कहा गया, क्या कहा गया? हाँ मालवा ट्राइब से बड़ा है मालवा। पश्चिमी क्षत्र, क्योंकि ये पश्चिम भारत में है ना, और एक शाखा इनकी अफगानिस्तान में भी थी, पहले से ही थी, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में उसका बहुत ज्यादा नाम नहीं था। तो क्रमशः तक्षशिला के शासक कौन कौन हुए? पहला शासक है माउस, इसकी तक्षशिला में ताम्र पत्र मिला है। और ये भी बुद्ध का आते ही अनुयायी बन गया, बुद्ध का एक संघाराम बनवाया। बता, और अपने बारे में झूठ झूठ लिखवाया है कि इसका राज्य मथुरा तक विस्तृत था। माउस के बाद आता है एजेस, एजेस ने ही पंजाब में डेमेट्रियस के वंशजों को उन्मूलित कर दिया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि विक्रम संवत एजेस ने ही पुरस्कृत किया, लेकिन ये बात गलत है। आगे चल करके पहला राजा गोंडो फर्नीज ने एजेस के वंश को समाप्त कर दिया था, जिसकी बात हम आगे करेंगे। क्षत्रप एक शासन प्रणाली है जो कि ईरान में प्रचलित थी। क्षत्रप का मतलब होता है सामंत। तो ये तो तक्षशिला की कहानी है। इसके बाद आते हैं मथुरा। मथुरा में राजुल या राजबुल शासक शासक है, इसने स्थापना की थी। ब्राह्मी लिपि में मोरा अभिलेख है, उसमें भी इसका नाम मिलता है। राजू के बाद सोडाश शासक बना, पहले क्षत्रप बाद में अपने आप को महाक्षत्रप कहा। इसकी है अमोहिनी दान पट्टिका। इसके बाद मथुरा को कुषाणों ने रिप्लेस कर दिया, मथुरा शासक समाप्त हो गया शासक। पश्चिमी भारत में खासकर नासिक में जिस वंश ने सत्ता संभाली, इसे कहते हैं क्षयरात वंश। और इसका पहला शासक है भूमक, सिर्फ इसके सिक्कों से इसकी जानकारी मिलती है। ये कनिष्क का सेवक लगता है, लेकिन इसके बाद आया नेपान जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ। इसकी चांदी की बहुत सारी मुद्राएं मिली।